कैथल के लोगों ने कहा लो फिर मंत्री जी इसका भी स्वाद तेरे को चखाते हैं। कैथल के लोगों ने कहा लो फिर मंत्री जी इसका भी स्वाद तेरे को चखाते हैं। कैथल के लोगों ने कहा लो फिर मंत्री जी इसका भी स्वाद तेरे को चखाते हैं। अगले 2-3 तारीख को हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो दौरे पर हैं और 2 तारीख को कैथल में पहुंचेंगे। उसको लेकर भाजपा के मंत्री हो, विधायक हो या भाजपा के तमाम कार्यकर्ता हो, वो तैयारियों में जुट गए हैं। इस समय कैथल के PWD रेस्ट हाउस में हूँ, जहाँ पर विधायक लीलाराम, हैफेड के चेयरमैन कैलाश भगत और चेयरपर्सन प्रतिनिधि सुरेश गर्ग जो है वो कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेने पहुँचे हैं। और मुद्दा सिर्फ एक है कि 2 तारीख को कैथल की नई अनाज मंडी में राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा सहित हरियाणा के मुख्यमंत्री और अन्य नेता जो है वो पहुंचेंगे। उन्हीं की तैयारियों को लेकर लगातार कार्यकर्ताओं से बातचीत की जा रही है और इस रैली को सफल बनाने का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। तब फिलहाल मौके की तस्वीर कैथल के PWD रेस्ट हाउस की है, जहां पर तमाम कार्यकर्ता इस मीटिंग में भाग ले रहे हैं और मौके पर कैथल के विधायक लीलाराम, हैफेड चेयरमैन कैलाश भगत और चेयरपर्सन प्रतिनिधि सुरेश गर्ग सहित अन्य भाजपा के वरिष्ठ नेता जो है वो पहुंचे हैं और रूपरेखा तैयार की जा रही है कि इस कार्यक्रम को किस तरह से सफल किया जाएगा। और जब जब कोई रैली हुई है तो भाजपा के हर कार्यकर्ता ने AD से लेकर चोटी तक का जोर लगा दिया है, लेकिन इस रैली में किस तरह की व्यवस्था रहेगी और किस तरह से कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी, इसी मामले को लेकर कैथल के विधायक लीलाराम और तमाम जो नेता पहुंचे हैं उनसे जानेंगे आखिरकार क्या कुछ उनका कहना है। नड्डा जी का सबसे पहला प्रोग्राम हरियाणा प्रदेश के अंदर कैथल में मिलने पे हमारे सभी साथियों का सौभाग्य है कि उन्होंने कम से कम सबसे पहले कैथल को छांटा और कुरुक्षेत्रा को सबसे पहली प्रेफरेंस दी, तो मैं तहे दिल से उनका धन्यवाद करता हूं। इसके साथ साथ बहुत थोड़े पीरियड के अंदर ये आपको प्रोग्राम मिला, पर हमारे लिए इतना पीरियड बहुत है क्योंकि आपने जो भी इलेक्शन लड़ा, चाहे वो MLA का इलेक्शन था, चाहे हमारी कॉरपोरेशन का इलेक्शन था, उसको आपने एक इस ढंग से लड़के दिखाया कि आपको कहीं भी अब सोचने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि सरकार के अंदर हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल जी का भी आपने जो काम किया, उसके साथ साथ जब भी विधायक महोदय ने कुछ कहा शहर की प्रोग्रेस के लिए या कॉरपोरेशन के लिए कोई भी चीज की अब जरूरत है, तो उन्होंने खुले मन से एक बात कही है कि हमारे हलके के लिए, शहर के लिए जो भी जरूरत होगी उसको पूरा करेंगे और उसमें किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे। कभी कभी ऐसा मौका मिला करता है कि हमारे को भी ये दिखाने का कि जनता आपके साथ किस ढंग से है। अपने कैथल के अंदर जब भी कोई रैली हुई है उसमें सभी वर्करों ने, सभी साथियों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया है, और इस बार तो क्योंकि सारा फैसला ही हमारे ऊपर कर दिया कि कैथल डिस्ट्रिक्ट ही इसको करेगा, तो हम सब साथियों का एक ही कर्तव्य बनता है कि इस रैली को कामयाब करने के लिए हम एक ही चीज समझे कि ये हमारे अपने परिवार का काम है और परिवार के काम के लिए जितना ज्यादा से ज्यादा मेहनत कर सकते हैं उतनी मेहनत करने का काम करें। हमारे पास 3 दिन है, हम पूरे शहर के हर वार्ड में, हर जहां भी संस्थाएं हमारी, हम अलग अलग मीटिंग लेके भी पूरा का पूरा काम करेंगे और इसके अंदर पूरे शहर शहर पूरा इलाके का पूरा योगदान जो है वो पूर्णतः रूप से होगा। ये मेरा एक विश्वास है कि जितनी संख्या में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष धनखड़ साहब जी, हमारे बीच में हमारे प्रभारी और वेदपाल जी, जितना ने एक बात हमारी संख्या हमारे पर ये लगाई कि यार ज़्यादा से ज़्यादा गैदरिंग होनी चाहिए,
मैं समझता हूँ उससे डबल गैदरिंग जो है हमारे वर्कर करके दिखाएंगे। मैं इसी के साथ दोबारा सभी साथियों को, अपने सभी गांव में सभी वर्करों को एक ही बात कहूंगा कि आप अपना इस प्रोग्राम को अपने परिवार के तौर पे प्रोग्राम बना के आप अपने अपने गांव में, अपने अपने वार्ड में, अपने अपने जहां यार दोस्त मिलने वाले साथी हैं, जितनी शहर की संस्थाएं हैं, सबकी अलग अलग मीटिंगें लेके और इसको कामयाब करने का काम करें। जिसमें बात को रखा, चाहे सुरेश जी थे चाहे कैलाश जी थे, कि आप थोड़े समय के बुलावे पर आए। साथियों, आज ही नहीं, आज की मीटिंग नहीं, आपने पिछले 3-4 साल में इस प्रकार के अनेकों बार आपने कोशिश करके इन कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए दिन रात मेहनत करके, और चाहे वो विधानसभा का चुनाव था, चाहे आपकी तिरंगा यात्रा थी, चाहे अभी अभी हुए नगरपालिका के चुनाव थे, सभी को जीतने और जितवाने का नहीं, हरियाणा में आपने रिकॉर्ड स्थापित करने का काम किया। वो सभी साथी यहाँ पर बैठे हैं, मैं इन साथी कईयों साथियों के नाम जिन्होंने उसके लिए काम किया, भाई भीरबान जी सैनी यहाँ पर आए हुए हैं, भाई मोहनलाल जी सैनी हैं प्रधान सैनी सभा के, आदरणीय भाई रवि पाहवा जी है, मतलब चांदीराम जी राठी है, हर गांव से भाई पप्पू जी है, मतलब इस प्रकार की टीम है। साथियों, आप लोग यहाँ पर वो आए हैं जिनको मैं सबको, सोमदास शर्मा जी हैं, शिव कुमार शर्मा जी हैं, भाई प्रवीण जी पूर्व में हमारे एमसी रहे, आज के रिंकू सैनी जी एमसी हैं, और राज सैनी है, रामफल सैनी है, इन बच्चों ने हमारे सामने, तो मैं बच्चे टाइप ही कहूँगा, कि इन्होंने दिन रात मेहनत करके, चाहे वो मेरे जैसे छोटे से पार्टी के कार्यकर्ता को जब बड़े नेताओं ने आशीर्वाद दे करके आप में भेजा, आपके बीच में मेरे को आपने, भाई सुरेश गर्ग जी कह रहे थे कि, और मुकेश जैन जी, भाई वो काम करके दिखाया कि हरियाणा नहीं पूरे हिंदुस्तान के लोगों को शायद ये विश्वास नहीं था कि कैथल के लोग इतना बड़ा काम कर देंगे, परंतु आपने भारतीय जनता पार्टी के झंडे को, परचम हिंदुस्तान में फहराने का काम इस टीम ने किया जो आज आपके सामने बैठा। फिर भाई सुरेश जी ने जिक्र किया था कि किस प्रकार नगर पालिका के चेयरमैन का चुनाव को भी कांग्रेस के लोगों ने ये कह दिया, यह हमारी बेटी बहू कैथल की सुरभि गर्ग का चुनाव नहीं, ये तो मेरा चुनाव है खुद का। अरे भाई, तेरा तो कांग्रेस की तरफ से होगा, बीजेपी की तरफ से तो हमारी बेटी हमारी बहू कैथल के लोगों का आशीर्वाद लेकर के सुरभि उम्मीदवार है। जब उन्होंने इस प्रकार की बड़ी बड़ी बातें की, घमंड की बात की, या कैथल के लोग भाई इससे प्रभावित हो जाएंगे कि ये तो मेरा अपना चुनाव है, कैथल के लोगों ने कहा, लो फिर मंत्री जी इसका भी स्वाद तेरे को चखाते हैं, और 5,000-6,000 वोटों से आप लोगों ने उनको भी हराने का काम किया। आज की ये जो मीटिंग है, मैं एक बात ईमानदारी से कहता हूँ, आप सभी बैठे हैं, ओम नारायण जी पंपिंग ना समझियो, सुभाष मुंदड़ी खड़े था कहाँ मेरे साथी, भाई सेठपाल जी क्योड़ की टीम बैठी है, भाई निशान सिंह जी, जोगेंद्र जी, मतलब मैं कहता हूँ आप सारे लोग ये मन बना लें, जांगड़ा जी खड़े नवा बैठ जा, भाई जांगड़ा जी ये मन बना ले, सुजुकमा गांव से है, जब मैं टिकट लेकर के आया हमारा जांगड़ा जी के रहेगा, मैंने इसको कान में एक बात बताई, मैं पिछली बारी बड़ा भूंडा प्रणाम था भाई गांव का, बोले तू आण तो दे तारी, तू खुद खड़े होगा मंच पर कहेगा भाई सुजुकमा ने कमाल कर दिया, ये राम वो जांगड़ा जी वो शख्स है। मैं आपकी कोई यहाँ पर पंपिंग नहीं कर रहा, परंतु आप सारे साथी जो आज यहाँ पर आए हैं ग्राउंड में, ये मन बना लें कि हमने 2 तारीख को ये बीजेपी पार्टी वालों ने भी आपकी परीक्षा लेने का काम किया है। 2 दिन का टाइम है क्लास जी, सिर्फ 2 दिन का टाइम, भाई सबसे मीटिंग पहली सबसे रैली कैथल में रख दो। हमने सुन करके हमने भी खुद बड़ा अचंभा लगा कि 2 दिन में भी रैली होती है कोई, भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष जी आने लग रहे हैं, मुख्यमंत्री जी आएंगे, प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ जी आएंगे, जहाँ इतने बड़े नेता हों। साथियों, ईमानदारी से कहता हूँ, हमारा मन था, भाई राजपाल जी ने जिक्र किया कि पिछले 3 साल से
हम भी गांव में नहीं जा पाए। मैं अपनी बात को कबूल करता हूं, पहले दो साल तो कोरोना 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 में और कोई इस प्रकार का बड़ा नेता का कोई प्रोग्राम नहीं आया था कि हम गांव में जाएं, लोगों को इकट्ठे करें। हमारा मन था कि हमें 15 दिन का कम से कम टाइम मिले, हम गांव में जाएं, गुणा जाएं, सांगण जाएं, मालखेड़ी जाएं, मानस जाएं, क्योड़क जाएं, द्योरा जाएं, धोस, कठुआड़, इन गाँव में जाएं, गाँव के लोगों को चुपालों में इकट्ठा करें। कोई हमारे को उलाना दे लेगा, कहीं हम कहेंगे भाई तू अक्ता तो ऐसा मिलता नहीं, और वो बात मन की दूर हो जाएगी। लोगों की ड्यूटियां लगाएंगे, लोग कहेंगे चौपाल में खड़े होकर के भाई, मेरे से पहले एक साथी ने कहा था कितनी बसें ले सुरेश जी ने, और गांव के लोग उस टाइम चौ में आकर में खुशी में कहते हैं कि हम 2 बस लेकर के आएंगे, हम 3 बस लेकर के आएंगे, क्योड़क जैसे गाँव में हम 10 बस लेकर के आएंगे। मैंने 2-2 बार चुनाव लड़ने का मौका आप साथियों के सहयोग से मिला, क्योड़क गांव से 150-150 ट्राली ट्रैक्टरी ट्रालियां भर भर करके आई हैं, और यही प्रोग्राम अगर हमारे पास 15 दिन का टाइम होता, हम गांव में जाते, सारे कैलाश जी हमारे साथ होते, सुरेश जी होते, राजपाल जी होते, आप में से 20 साथी और होते, और जाकर के कहते भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष, सारे भारतीय जनता पार्टी के पूरे विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के अध्यक्ष हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, ओम प्रकाश धनखड़ जी आ रहे हैं, और फिर क्योड़ गांव वाले खड़े होकर के कहते कि आप देखना फिर क्या कैथेड्रल लाइन नहीं टूटने देंगे। परंतु साथी ये मजबूरी है, जिस प्रकार आपके विधानसभा के चुनाव में यारपाल शर्मा, नरेश मित्तल खड़े हैं, जब टिकट मिल गई कैलाश जी कहने लगे अपने को तो थोड़ा टाइम मिला यार, अरे मैं थोड़ा ही ठीक है शर्मा जी, जब मरोड़ेंगे तो इसमें मरोड़ लेंगे, नहीं ज्यादा लंबा मैं तो फिर छूट जाएगा अपना बता। तो इसी प्रकार यार रैली भी साथियों, ईमानदारी से कहता आपका वही इलेक्शन है, पार्टी के नेताओं ने देख लिया कि ये कैथल वाले 2 दिन में कर सकते हैं कि नहीं, परंतु हम आपके भरोसे पर हमने मुख्यमंत्री जी को, ओम प्रकाश धनखड़ जी को आश्वासन दे दिया कि आप मंडी में आइए, पूरा कैथल शहर 36 बरादरी के लोग खड़े होकर के तालियां बजा करके आपका मंडी में स्वागत करेंगे, आप आए तो। और साथियों हमें भी आपके साथ रूबरू होने का मौका मिलेगा, और जहां तक मीटिंग रैली की बात है वो तो मैंने आपको कह भी दिया कि आपने तो जो भी पार्टी की तरफ से कोई भी चैलेंज आया कैथल के लोगों ने उसको स्वीकार करने का काम किया, चाहे वो किसी भी रूप में आया, नगरपालिका का चुनाव था, विधानसभा का चुनाव था, और हमारा भारतीय जनता पार्टी का यहाँ पर जिला कार्यालय बन करके तैयार हो गया। मेरे को लगता है उसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी का कोई बड़ा प्रोग्राम जल्दी आ सकता है। पर साथियों ये रैली जो अपनी 2 तारीख की रैली है, इसके लिए सारे साथियों से एक आश्वासन चाहूंगा, भाई अरुण सराफ जी हमारे बीच में आए हैं पूर्व चेयरमैन, मैं कैथल भारतीय जनता पार्टी परिवार की तरफ से उनका स्वागत करता हूं, आदरणीय अरुण सराफ जी।